अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद टीएन न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट। दिल्ली की जनता ने 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया। 2015 में दोबारा 70 में से 67 सीटें देके केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुना गया। 2020 में तीसरी बार 70 में से 62 सीटें देके दिल्ली वालों ने अरविंद जी को अपना मुख्यमंत्री चुना। कहा जा सकता है देश के सबसे प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों के अंदर कोई भी पोल हो, कोई भी न्यूज चैनल कराता हो, हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का नाम उसमें शुमार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व के साथ तीनों चुनाव के अंदर पूरा जोर लगाया, मगर दिल्ली के अंदर उनकी करारी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है, केंद्र सरकार दिल्ली वालों से बदला लेना चाहती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, मुझे लगता है पूरे देश में शायद एक ऐसी जगह दिल्ली है जहां पे डॉक्टर का उपचार मुफ्त, दवाई मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त और हर तरीके की सुविधाएं दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। इससे भी केंद्र सरकार को बहुत कष्ट है कि अब किसी राज्य में केंद्र सरकार और इनके मंत्री जाते हैं तो लोग कहते हैं हमें अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार चाहिए। अब किसी तरीके से केंद्र सरकार अपने जब सारे हथकंडे इनके चुनावों में फेल हो गए तो ये चाहती है कि किसी तरीके से दिल्ली के ऊपर एक गैर कानूनी कब्जा किया जाए एलजी साहब के माध्यम से, और उस गैर कानूनी कब्जे का तरीका है ये काला अध्यादेश। देश की सबसे बड़ी अदालत के 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने फैसला लिया है। ये ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, संवैधानिक पीठ का फैसला है कि 8.5 साल से जो आम आदमी पार्टी कहती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ये सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हैं, वो सही कहते थे। केंद्र सरकार झूठ कहती थी, भारतीय जनता पार्टी झूठ कह रही थी दिल्ली वालों को, ये अधिकार हमेशा से संविधान में अरविंद केजरीवाल को मिले थे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उनके मुख्यमंत्री को मिले थे। केंद्र ने उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था, ये बात हमने नहीं कही, ये बात देश की संवैधानिक पीठ ने कही। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया उसी दिन रात को ये काला अध्यादेश लाके दिल्ली वालों से और अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से बदला लिया गया। इसको लेके मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन के 7 उपाध्यक्ष बैठे हैं, मेरे विधायक साथी हैं, और आप लोग भी जनता के बीच में जाते होंगे। मैं ये कह सकता हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी हैं दिल्ली के अंदर और आपस में बैठ के रैशनल बात कर लेते हैं, आपस में अगर बैठे हैं तो बात ईमानदारी से भी कर लेते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है मगर ये केंद्र सरकार ने ठीक नहीं किया, ये तो धोखा है, ये तो दिल्ली वालों के साथ धोखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के अच्छे से अच्छे समर्थक आज दिल्ली में कह रहे हैं। और दिल्ली के अंदर ये नैरेटिव गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक, मिडिल क्लास से लेकर यूथ तक, यूथ से लेकर बच्चों तक, हर आदमी ये कह रहा है कि ये अध्यादेश काला अध्यादेश है और इसका हर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए।
तो दिल्ली वालों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी इस विरोध को जनता के साथ मिलके एक तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने जा रही है। 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ सभी कैबिनेट के मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण इसी आईटीओ के पार्टी के नेशनल ऑफिस में इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाएंगे 3 जुलाई को। 5 जुलाई को सभी 70 दिल्ली की विधानसभाओं में इन अध्यादेशों को जलाने का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद 6 जुलाई से 13 जुलाई तक दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के हर मोहल्ले में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर इस काले अध्यादेश की प्रतियों को जलाया जाएगा। मेरे साथ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सभी वाइस प्रेसिडेंट्स भी हैं और ये लोग हमारी वो ताकत हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर मंडल पर, दिल्ली के हर मंडल पर इस अध्यादेश की प्रतियों को जलाया जाएगा। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए वो जो हमारे राज्यसभा के, लोकसभा के, क्योंकि राज्यसभा में ही मेन बात है, हमारे राज्यसभा के जो नेता हैं वो लोग अन्य पार्टी के नेताओं से मिलके इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बट इस तरीके की फ्लोर स्ट्रैटेजीज काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, समय आने पे जो है आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। तो वो देखेंगे जब सत्र आएगा, हम तो देख ही रहे। नहीं तो दिल्ली के लोग अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। राजनीति के अंदर और लोकतंत्र के अंदर संकेतों का बड़ा महत्व होता है। आपने काली पट्टी बांध ली, आपने संकेत दिया कि आप विरोध में हैं, आपने इस अध्यादेश की प्रतियां जलाई और दिल्ली के कोने कोने में जब ये प्रतियां जलेंगी तो ये संकेत जाएगा कि दिल्ली के लोग इस काले अध्यादेश से खुश नहीं हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के साथ ये जो धोखा किया है इससे दिल्ली वाले नाराज हैं। और कोई प्रश्न आप में से कोई कुछ बोलना चाहेंगे, कोई भी साथी कुछ बोल दिया? ठीक, थैंक यू।